हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते सब लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूं। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, नॉन वेज आइटम है सही चिकन। ये सही चिकन कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को दिखाता हूं। उसके लिए मैंने लाया हूं, ये 1.25 किलो है चिकन। इसमें मिक्स करेंगे जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर डालेंगे, 1.25 चम्मच जीरा पाउडर डालना है इस पे। और इसमें डालेंगे 1.25 चम्मच धनिया पाउडर। और इसको डालना है 2 चम्मच चिल्ली पाउडर। और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने पेस्ट किया हूँ, ये है कम से कम 3 चम्मच है। ये मैंने माप के भी रखा हूँ। ये इसमें अभी मिक्स कर लेते हैं, अभी इसको मैरिनेट कर लेते हैं इसमें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ये पूरा अच्छे तरह से इसे मिक्स हो गया। अभी आगे प्रोसेस दिखाते हैं। कढ़ाई अभी गरम किया हूँ, इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ राई तेल। अभी इसमें तेल डाल देते हैं। अभी तेल जैसे ही गरम हो गया तो इसमें अभी ये डालना है, ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये अभी इसमें डाल देंगे। ये तेल में इसको कुछ देर तक इसको फ्राई करेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। स्पाइसेस के लिए डालेंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च। अभी इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के इसको ढक देते हैं। देख सकते हैं ढक्कन लगा के रखा हूँ, अभी 2 से 3 मिनट इसको हो गया। अभी ढक्कन इसका निकालते हैं। अभी इसमें ऐड करना है छोटे स्पून का 1 स्पून ब्लैक पेपर। फिर से इसको मिक्स करके फिर से इसको 2 से 3 मिनट के लिए वापस ढक देते हैं। देख सकते हैं अभी 2 से 3 मिनट फिर से हो गया। अभी इसको वापस ढककर निकालते हैं। अभी चिकन लगभग थोड़ा इसको ये आया है। अभी इसमें ऐड करेंगे, मैंने इसके लिए टमाटर और कांदे का पेस्ट बना के रखा हूँ। अभी पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं टमाटर और कांदे का पेस्ट है। अभी इसमें ऐड कर दिया हूँ। अभी इसको इसमें थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देते हैं, कांदा लहसुन सॉरी कांदा और टमाटर का जो पेस्ट है। अभी इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस हमारा फुल ही रखा हूँ, फुल में ही इसको बता रहा हूँ। तो अभी मिक्स करके देख चुके हैं। अभी इसको फिर से 2 से 3 मिनट इसको वापस ढक के रखेंगे पकने के लिए पूरी तरह से। 2 से 3 मिनट हो गया फ्रेंड्स। अभी इसका ढक्कन निकाल के फिर से देखते हैं। अभी इसका पानी देख सकते हैं,
पूरा रौनक ही इसका चेंज हो गया है। अभी इसमें ऐड करना है हमको काजू पाउडर, जो मैंने काजू को पीस के पाउडर बना लिया है, अभी इसमें ऐड कर देते हैं। ये भी है 2.5 स्पून है, ये मैंने पूरा माप के ही रखा है, अभी इसमें ऐड कर दिए। अभी इसको मिक्स करके अभी ये चिकन को पकने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। छोटे ग्लास का आधा ग्लास इसमें पानी डाल देते हैं, इसको कुछ देर अच्छे से पक जाए। तब तक इसमें फिर से ढक्कन लगा के रखते हैं। अभी इसको कम से कम 5 मिनट तक ढक्कन लगा के रखेंगे, फिर आगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये 5 मिनट हो गया है, अभी इसको ढक्कन खोल के देखते हैं। वाह, खुशबू तो ज़बरदस्त आ रहा है फ्रेंड्स, सॉरी आप लोगों को तो खुशबू नहीं मिल रहा है, मुझे ही मिल रहा है। देख सकते पूरा इसका कलर सब कुछ चेंज हो गया। अभी इसमें ऐड करना है फेस क्रीम, जो मैंने ये इसमें लेके रखा हूँ। ये चिकन के अनुसार है, ये 100 ग्राम चिकन में 2 स्पून होना चाहिए, तो ये सॉरी 300 ग्राम चिकन में 2 स्पून होना चाहिए, तो मेरा ये है 600 ग्राम, तो मैंने इसमें 4 स्पून ये फेस क्रीम ऐड किया हूँ। अभी इसमें ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसको जस्ट 1 मिनट के लिए फिर से इसको ढक देंगे, जस्ट ओनली ऑन 1 मिनट के लिए ढकते हैं, फिर लास्ट फिनिशिंग दिखाते हैं। तो अभी ये हो गया 1 मिनट, अभी इसको ढककर निकालते हैं। अभी देख सकते इसका पूरा लुक चेंज हो गया। अभी इसमें लास्ट में ऐड करना है इसमें धनिया। अभी इसको हुए थोड़े देर के लिए इसको और ढक्कन बंद करके रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है, पूरा रेडी हो गया है अभी शाही चिकन। तो दिखाया आप लोगों को कि कैसा बनाना है, पूरा रेसिपी आप लोगों को दिखाया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाया शाही चिकन बनाने का कैसा रेसिपी पूरा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर मुझे कुछ भी पूछना है तो पूछ भी सकते। और फ्रेंड्स जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो।